जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत गैस एजेंसी में आप उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे ले सकते। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको दोस्तों तीन बातें ध्यान में रखनी है कि आवेदन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले है कि आवेदन 18 वर्ष से ज़्यादा की जो महिला है वही कर सकते और जिनका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके घर में कोई एलपीजी का कोई पहले से गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है कि इसमें आपको जाति के बारे में बताया गया है कि कौन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना यदि आपको मिला है तो भी आप ले सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग को भी मिल सकता है। अंत्योदय अन्न योजना जो होता है, यानी कि जो आपको पहले पीला कलर का जो राशन कार्ड होता था, यदि उस तरह का राशन कार्ड आपको था, उसमें आपका नाम था, तो आपको इसमें मिल सकता है। आपको क्या क्या सब कनेक्शन के लिए क्या क्या सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ये देख लीजिए। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए आपको ई KYC करना अनिवार्य है। आपको पहचान पत्र और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड आपको देना होगा। जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं उस राज्य का राशन कार्ड होना चाहिए। यदि आप किसी अदर राज्य से, यानी आप बिहार के रहने वाले हैं और किसी यूपी, पश्चिम बंगाल या किसी और स्टेट में जा करके यदि आप अप्लाई करते हैं, तो आपको एक स्वघोषणा पत्र होता है जिसको एफिडेविट कहते हैं। आज या तो आप एफिडेविट करवा के दे सकते हैं, या फिर स्वघोषणा का मतलब आप खुद ही लिख करके आप उसको डिक्लेयर करेंगे कि हम इतना परिवार में हैं, एक प्रकार से स्वघोषणा उसी को कहते हैं। इसके अलावा आपके राशन कार्ड यदि है और राशन कार्ड में 18 साल से जितने व्यक्ति का नाम है उनमें, उन सब का आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। आपको बैंक खाता का पासबुक देना होगा जिसमें आपका खाता संख्या और IFSC कोड के साथ साथ आपका फोटो भी होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको है तो आप यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको भारत गैस के लिए हम बता रहे हैं, हम ये दोनों गैस इंडियन और HP के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो भारत गैस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के साथ ही एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना राज्य सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट करना है और यहाँ पर पिन कोड करना है। आप जैसे ही अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ तक, तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूटर का। तो दोस्तों, यदि आपको ये नहीं पता है कि आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके एरिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, इसमें एक ही डिस्ट्रीब्यूटर इस पिन कोड पर रन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही का नाम आया है। यदि 2, 3 या 4 आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो सहूलियत हो, जो आपके नज़दीक का हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, और ये वाला जो कैप्चा आपको दिख रहा है ये कोड, इसको आपको इसमें फिल करना है। और इस पर फिल करने के बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के साथ ही आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक मैसेज आएगा, आपको उस OTP को यहाँ पर सेट करना है। और यदि आपके मोबाइल पर नहीं आया है OTP, तो आप यहाँ पर रीजनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ यहाँ पर आप चेक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर वेरीफाई एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपका ID मिल जाएगा। आप इस ID को यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर आप अपने किसी कागज कलम पर लिख लेंगे ताकि वो सुरक्षित रहे। और इसके बाद आपको यहाँ ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करते ही आपको ये दिखाएगा यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन वाइज सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन ID इतना, आप इसको प्रिंट करवा लेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर जो कह रहा है कि उज्ज्वला न्यू कनेक्शन के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा और इसमें आपको कुछ डायरेक्शन दिखाया जाएगा। इसमें आपको दिखाया गया है कि किस किस को हम देंगे और किस किस को नहीं देंगे। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए दिखा दिया कि किस किस को देना है और किस किस को नहीं देना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जितना चीज़ बताया गया है, यदि आप इसके दायरे में आते हैं तो आपको 100% गैस कनेक्शन मिलने वाला है। आपको जो ये ID मिला है और इसको या तो आप प्रिंट करवा लीजिए और आप अपने जो कनेक्शन का जो एजेंसी का नाम आप सेलेक्ट किए थे पिछले फॉर्म में, उस एजेंसी के पास आपको सभी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना है और उनकी छाया प्रति अपना हस्ताक्षर करके उसमें देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसके अलावा आपको 2 फोटो देना होगा। आप 3 फोटो लेकर के जाएं, एक फ़ोटो आपको जो गैस कनेक्शन मिलता है उसका जो पासबुक होता है उस पर दिया जाता है। यदि कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करें, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट में ही आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।